नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर एक ही है, अभिनंदन घर लौट रहे हैं, कल वो घर लौट आएंगे। लेकिन सच इसके अलावा भी है, वो सच जो आज दोपहर आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा जब नेता नरेंद्र मोदी बोले सबसे पहले उन्हीं की बात। बघेली में कहावत है, को मरे को मल्हार गावे, मतलब कोई दुख में रहे और कोई मंगल गान गाए। आज वही होते देखा जब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी नेता बनते देखा। प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, सोशल मीडिया से ही ये बात सामने आई थी कल कि आज दोपहर 12 बजे वो देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं, वॉलंटियर्स और समर्थकों से सीधा संवाद करेंगे। ध्यान दीजिए, देश के आम लोगों से नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से, और ऐसी वैसी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस। टीवी पर सास बहू वाले डेली सोप आते हैं, जब कम रोचक रह जाते हैं तो उनके महा एपिसोड आते हैं। बीजेपी के आज के कार्यक्रम को महासंवाद कहकर पुकारा गया। कल इस इवेंट की घोषणा के बाद लगा कि शायद ये चुनावी इवेंट ना हो, देश में जिस तरह का माहौल है, पाकिस्तान की तरफ से सरहद लांघकर जिस तरह से कार्रवाई हुई है। लेकिन सबकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, हम गलत थे, इवेंट हुआ। प्रधानमंत्री बोले, किसी को निराश नहीं किया, थोड़ा सा देश की सुरक्षा पर भी बोले। आप सभी को नमस्कार। इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर है। देश का वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहा है। बाकी की बातें पार्टी वालों के लिए रही। बताया गया कि परीक्षा है, आखिरी दिनों में ताकत लगानी पड़ती है। महागठबंधन, महामिलावट की बातें हुई, कांग्रेस के वंशवाद की बातें हुई। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब देश अपने पायलट के लिए चिंतित हो रहा था तब प्रधानमंत्री नमो ऐप की खूबियां बता रहे थे, फर्स्ट टाइम वोटर से वोट लाने का तरीका बता रहे थे, और हमें ध्यान आ रहा था सियासत नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बेवजह प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मुखर है सब मुद्दों पर, ट्विटर पर और भी ज्यादा उनकी मुखरता नजर आती है। आम दिनों में 7 से 12 या कई बार 22 तक ट्वीट कर देते हैं। 27 फरवरी को एक ट्वीट आया, कठिन समय था, वो राष्ट्रीय महत्व की मीटिंग्स और ब्रीफिंग्स में हिस्सा ले रहे थे, कुछ बड़ा ही सोच रहे होंगे। लेकिन एक दिन की शांति के बाद बाहर क्या आया, पर हमें प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है। सामुद्रिकी के ज्ञाता नहीं है हम, लेकिन प्रधानमंत्री की भाव भंगिमाएं कहती हैं कि एक फकीरी, माफ कीजिएगा, बेफिक्री तो उनमें है ही। उनकी बेफिक्री देखकर लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो वो जानते हैं हम नहीं जानते। इस अज्ञान में हम शंका कर बैठते हैं। प्रधानमंत्री वो राज भले ना बताएं, भरोसे के दो बोल ही बोल दें। जैसे समर्थकों और कार्यकर्ताओं के सामने आए, वैसे ही एक बार आम जनता को संबोधित कर दें, देश कन्फ्यूज है। सच ये है कि हम गलत साबित होना चाहते हैं। आज की तारीख में प्रधानमंत्री सबसे बेहतर यही कर सकते हैं कि हमें गलत साबित कर दें। पायलट प्रोजेक्ट जैसे वर्ड प्ले ना करें। आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है, और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है। तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया, अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी। लेकिन देश ने आज दिन भर बयान नहीं सुने, उसके कुछ सवाल भी थे और इन सवालों के जवाब मिले पाकिस्तान के अखबारों के हवाले से। सवाल ये कि हमारे पायलट के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के जज्बे की तारीफ पूरे देश में हो रही है। अभिनंदन वो MiG-21 बाइसन उड़ा रहे थे जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हुआ। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने जम्मू और कश्मीर में भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। हादसे के वक्त अभिनंदन इन्हीं जेट्स को नियंत्रण रेखा यानी कि LOC के पार खदेड़ रहे थे। फिलहाल अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं और कल छूटने वाले हैं। हादसे के वक्त क्या हुआ, अभिनंदन का जेट कैसे क्रैश हुआ, ये अभी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन जब अभिनंदन का नियंत्रण जेट पर से खत्म हुआ तब अभिनंदन LOC के इस तरफ थे यानी कि भारत में थे, भारत की हवाई सीमा में थे। लेकिन जेट की रफ्तार और वजन से पैदा हुआ संवेग यानी कि मोमेंटम उन्हें LOC के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ले गया। यही वजह थी कि अभिनंदन जब जेट छोड़ने को मजबूर हुए तब उनका पैराशूट भारत के इलाके में लैंड नहीं कर पाया। और जब लैंड हुआ तब क्या हुआ, पाकिस्तानी अखबार है डॉन,
उसमें अभिनंदन के जेट से कूदने के बाद की तमाम घटनाएं दी हुई हैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हवाले से। क्या लिखा है डॉन की रिपोर्ट में? लिखा है कि अभिनंदन के जेट में आग लगी थी। उनके पैराशूट ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में LOC से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर हुरान गांव के पास लैंड किया। लोग दौड़कर पैराशूट लैंडिंग की जगह पहुंचे। तब अभिनंदन सकुशल नजर आ रहे थे। उनके हाथ में एक पिस्तौल थी। जमीन पर मौजूद लोगों से अभिनंदन का पहला सवाल, ये इलाका भारत का है या पाकिस्तान का? भीड़ में से एक लड़का बोला, भारत। अभिनंदन को कुछ राहत मिली। उन्होंने भारत की जिंदाबाद के नारे लगाए और फिर भीड़ से पूछा, कौन सा गांव है? किसी ने जवाब दिया, किल्ला गांव। लेकिन इसके बाद अभिनंदन की बातचीत थोड़ी ही आगे बढ़ पाई। वो बोले, पीठ में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, चोट लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तभी किसी लड़के ने पीछे से नारा लगा दिया, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अभिनंदन सतर्क हो गए। उन्होंने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली, हवा में भीड़ को पीछे करने के लिए फायर किया और तेजी से दौड़ने लगे भारत की सीमा की तरफ। उनके पीछे लड़के दौड़े, पत्थर मारने लगे, देसी हथियार लहराने लगे। अभिनंदन लगातार भीड़ के उलट दिशा में दौड़ते रहे और भीड़ को डराने के लिए हवा में फायर करते रहे, लोगों की तरफ फायर नहीं किए। जब अभिनंदन को लगा कि वो भीड़ से बच नहीं पाएंगे तो वे एक तालाब में कूद गए। उन्होंने अपने साथ जितने भी नक्शे और दस्तावेज थे उन्हें तालाब के पानी में भिगो दिया और कुछ को चबा भी लिया, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील थे। उनकी लुगदी बना दी ताकि कोई उनको पढ़ न सके। भीड़ में से लड़के उन्हें समर्पण को कहते रहे, लेकिन अभिनंदन ने पिस्तौल नहीं फेंकी। तभी भीड़ में से किसी ने उनके पैर को निशाना बनाकर गोली दाग दी। इसके बाद अभिनंदन भीड़ से घिर गए। भीड़ ने उनके साथ मारपीट की। थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी सेना वहां पहुंची और भीड़ से बचाकर अपने साथ भिंबर के एक सैन्य ठिकाने पर ले गई। बड़ी खबर में अब बात उन डेवलपमेंट्स की, जिनकी परिणति में हमें दिन की सबसे अच्छी खबर मिली, विंग कमांडर अभिनंदन का अपने देश लौटना। सुबह विंग कमांडर के पिता का एक भावुक बयान आया। एक खुद्दार सिपाही की तरह वो बोले, आप सभी दोस्तों का फिक्र जताने और शुभकामनाएं भेजने के लिए शुक्रिया। अभिनंदन अभी जिंदा है, चोटिल भी नहीं है, दिमागी तौर पर भी सेहतमंद है और जिस बहादुरी से वो अपनी बात रख रहा है वो एक सच्चे फौजी की निशानी है। मेरी ईश्वर से यही दुआ है कि अभिनंदन पर पाकिस्तान किसी तरह की कोई यातना न करे और वो घर सुरक्षित वापस भेज दे। भारत सरकार 27 फरवरी से ही अभिनंदन की रिहाई के लिए प्रयास में लगी थी। विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिर्फ प्रवक्ता को भेजा था क्योंकि विदेश सचिव अपने काम में लगे थे। शाम को पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने शाम को ही ये बात साफ कर दी कि पाकिस्तान को बता दिया गया है कि भारतीय सैन्य अधिकारी को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, तुरंत देश लौटा दिया जाए। और ये भी कह दिया गया कि आपने ऑलरेडी जिनेवा कन्वेंशंस का पालन नहीं किया है और भद्दे मैसेज, भद्दी तस्वीरें, हिंसा से जनित इनका आपने प्रचार प्रसार किया है। आज सुबह पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में बार बार जोर आ रहा था बातचीत पर कि लौटाएंगे तो, लेकिन पहले तनाव घटाओ और बातचीत की मेज पर आओ। ये इशारा था कि पाकिस्तान को लौटाना है, लेकिन पूरी तरह से मन नहीं बना था। इशारों की बात है, इशारों में समझिए। सीधे बात करने के अलावा भारत ने कूटनीतिक दबाव को भी काम में लिया, दुनिया में हमारी जो हस्ती है उसका इस्तेमाल किया। इसका पहला इशारा मिला तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान की तरफ से अच्छी खबर आने वाली है। एक एंगल ये भी रहा कि भारत ने सऊदी अरब से बात की, वही सऊदी अरब जिसके प्रिंस सलमान पिछले दिनों पाकिस्तान और फिर भारत आए थे। पर्दे के पीछे से किए गए इस दावे को बल तब मिला जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री, जो पहले कह रहे थे कि तनाव घटाओ तब लौटाएंगे, शाह महमूद कुरैशी, उनका बयान आया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री इब्राहिम अब्दुल्ला अजीज अल असफ आज पाकिस्तान आ रहे हैं, साथ में क्राउन प्रिंस बिन सलमान का महत्वपूर्ण संदेश ला रहे हैं। इस संदेश का मतलब निकाला जाता उससे पहले पूरा ध्यान टीवी पर चला गया। इमरान खान पाकिस्तान की संसद में बोलने को खड़े हुए, शांति का संदेश दिया, कश्मीर पर पुराना राग अलापा, फिर बातचीत का न्योता दिया, मीडिया को कोसा और बैठ गए। लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ बोलता, इमरान फिर खड़े हुए और ये बोले, हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उनको उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। इमरान के बयान के बाद सब दम साध कर इंतजार करने लगे सेना, नौसेना और वायुसेना की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लाइव फीड आई तो सबसे पहले बोलते नजर आए एयर वाइस मार्शल RGK कपूर।
कपूर के बयान में उन सभी सवालों के जवाब थे जिन पर हम कल से सर धुन रहे थे। कपूर ने बताया, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सैनिक ठिकानों को निशाना बनाया, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमारी तरफ से सुखोई 30 एमकेआई मिराज और मिग बाइसन उड़े। पॉइंट नंबर थ्री, पाकिस्तान का तीन पायलटों वाला दावा झूठा था, सिर्फ एक मिग 21 गिरा और एक पायलट लापता हुआ। अगला पॉइंट, पाकिस्तानी सेना ने जिन तीन पायलटों की बात की उनमें से एक भारतीय पायलट था और संभवतः दो पायलट F-16 के थे। आई रिपीट, संभवतः दो पायलट F-16 के थे जिसे मिग ने गिराया था। पाकिस्तान ने कहा कि F-16 तो लाए नहीं थे, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने उपकरणों पर उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की पहचान की। भारत के पास उस AMRAAM मिसाइल का पुर्जा भी है जो राजौरी में गिरा। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक जहाज है जिसमें ये मिसाइल लग सकती है और वो है F-16। सेना की तरफ से मेजर जनरल सुरेंद्र सिंह महल और नौसेना की तरफ से एडमिरल दलबीर सिंह गुजराल ने भरोसा दिलाया कि सेना मुस्तैद है। कपूर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि हमने बालाकोट कमीशन पूरा किया, सबूत सरकार के पास हैं, वो जब जरूरी समझे जारी करेगी। अभिनंदन की रिहाई पर कपूर ने कहा कि भारतीय वायुसेना उनके लौटने की खबर से खुश है। बड़ी खबर के आखिर में सबसे अहम सवाल, आगे क्या होगा? अभिनंदन की रिहाई ने भारत पाकिस्तान के बीच रस्साकशी के खेल के नियम एक बार फिर बदल दिए हैं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान अभिनंदन की रिहाई की पूरी दुनिया के सामने मार्केटिंग करेगा, कहेगा कि उसका दिल बड़ा है, वो बातचीत चाहता है। और बातचीत माने क्या, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारत 26 फरवरी की सुबह जहां था, क्या अब भी वहीं है। भारत ने शुरुआत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से की थी, न्यूनतम बात, सिर्फ दो बयान, लेकिन पाकिस्तान ने इस खेल में हमें हाल के लिए चेकमेट कर दिया है। भारत को अब एक नया तरीका ढूंढना है उस मुसीबत से निपटने के लिए जो 7 दशक और 3 लड़ाइयों के बाद भी खत्म होने से इनकार करती है। भारत को फिर से रणनीतिक और राजनयिक बढ़त हासिल करनी है ताकि कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद को प्रायोजित किया जा रहा है पाकिस्तान की सरजमी पर, उसके लिए जो भी तत्व जवाबदेह हैं, चाहे वो पाकिस्तान की फौज के हों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के हों, या इनके द्वारा स्पॉन्सर्ड हों अलग अलग आतंकवादी संगठनों के, उनकी जवाबदेही तय हो, उनको सजा मिले। 27 फरवरी की दोपहर से हमने जिस एक चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई वो था जिनेवा कन्वेंशन। जिन कन्वेंशंस की यहाँ बात हो रही है उनका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते। जिनेवा स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है। तो जिनेवा कन्वेंशंस का मतलब हुआ जिनेवा में हुए समझौते। ऐसे 4 समझौते हैं, इसलिए कहते हैं जिनेवा कन्वेंशंस। युद्ध के समय जुमला चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। जिनेवा कन्वेंशंस कहता है, नहीं, सब फेयर नहीं है, कुछ तो नियम होंगे जिन्हें लांघा नहीं जाएगा। मसलन, लड़ाई में घायल सैनिकों को इलाज देना होगा, लड़ाई के दौरान हिरासत में लिए गए दुश्मन सैनिक के साथ बदसलूकी नहीं होगी। जिनेवा कन्वेंशंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठकों की वो सीरीज है जिसमें इस तरह के हितों की बातें होती हैं। इसलिए आज विस्तार से आसान भाषा में जिनेवा कन्वेंशंस पर बात। जब दो दुश्मन देश जो आमने सामने बात करने को राजी नहीं होते, वो जिनेवा कन्वेंशंस के लिए साथ कैसे आ गए? हम भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसकी वजह जानने के लिए आपको जिनेवा कन्वेंशंस का इतिहास जानना होगा। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री क्लास। आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस का नाम सुना होगा। ये दुनिया भर में जहां भी युद्ध होता है वहां मानवीय सहायता पहुंचाता है। इसे बनाने वाले शख्स का नाम था हेनरी ड्यूनंट। हेनरी 19वीं सदी के स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। वो व्यापारी थे, जिनेवा में रहते थे। जून 1859 में उनका इटली जाना हुआ। 24 जून 1859 को वो सोलफेरिनो पहुंचे। इसी दिन सोलफेरिनो की लड़ाई में 4000 लोग मारे गए, 36000 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हेनरी ड्यूरेंट ने बर्बादी का मंजर देखा, घायल सिपाहियों से मुलाकात की, दुर्गति देखी तो वहां से लौट आए और किताब लिखी, अ मेमोरी ऑफ सोलफेरिनो। इसी किताब के चलते वो माहौल तैयार हुआ जिसमें इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस बनी। हेनरी ने सुझाव दिया कि दुनिया के देशों को एक साथ आना चाहिए और लड़ाई के बाद पैदा हुए हालात से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। और फिर हुए 4 जिनेवा कन्वेंशंस। पहला, हेनरी के कहने पर अक्टूबर 1863 में 16 देश एक साथ आए। फिर जिनेवा में 12 देशों ने एक संधि पर दस्तखत किए कि जंग के मैदान में घायल सिपाहियों के साथ कैसा सलूक हो। दुनिया भर में जंग के कानून का ककहरा यहीं से निकला और इसे नाम दिया गया पहला जिनेवा कन्वेंशन। ये लागू हुआ 1864 में। दूसरा कब हुआ? साल 1906।
स्विट्जरलैंड की सरकार ने 35 देशों की एक मीटिंग बुलाई। पहला कन्वेंशन जमीनी लड़ाई के बारे में था, ये कन्वेंशन समुद्री लड़ाई के बारे में था। इस मीटिंग में पिछले कन्वेंशन में सुधार किए गए। तीसरा हुआ पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, क्योंकि तब तक ये साफ हो गया था कि जिनेवा कन्वेंशन का पालन नहीं हो रहा है, इसलिए 1929 में फिर मीटिंग बुलाई गई। इस बार जोर रहा कि दुश्मन देश के हाथ पकड़े गए सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसे कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, इसे तय किया जाए। और चौथा जिनेवा कन्वेंशन हुआ 1949 में। दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध में हुई बर्बरता देख ली थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद नए सिरे से जिनेवा कन्वेंशन पर बात हुई। 1929 वाले ड्राफ्ट को सुधारा गया। इस बैठक में दुनिया के कुल 194 देशों ने मिलकर युद्ध बंदियों के साथ के कुछ नए नियम तय किए। साथ में बात हुई कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों के हकों की रक्षा कैसे की जाए। तो ये तो हो गए चार कन्वेंशन। इसके अलावा 3 प्रोटोकॉल भी होते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। पर अभी आप ये जान लें कि विंग कमांडर अभिनंदन के मामले में जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र कैसे आ रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों जिनेवा समझौते को मानते हैं, दोनों ने इसके कागज पर दस्तखत किए हैं। अभिनंदन भारत के सैनिक हैं, दुश्मन देश के कब्जे में हैं, तो उनके मामले में काम करता है जिनेवा 3। क्या जिनेवा कन्वेंशन सिर्फ युद्ध में लागू होता है, यह भी एक सवाल है जो पूछा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनेवा कन्वेंशन बेमानी हो गया। घोषणा हो ना हो, जब तक समझौते को मानने वाले दो पक्षों के बीच लड़ाई या लड़ाई जैसी घटनाएं, जैसे अभिनंदन के मामले में फाइटर जेट के बीच मुठभेड़ होती रहती है, तब तक जिनेवा कन्वेंशन के नियम लागू रहते हैं। इस संधि की वो खास बातें हैं जो अभिनंदन के मामले में लागू होती हैं, ये हैं। पहली, दुश्मन सेना के जहाज के लोगों को भी बचाना होता है। दूसरी, किसी सैनिक के पकड़े जाने के तुरंत बाद ये संधि लागू होती है। तीसरी बात, घायल युद्धबंदी का इलाज ठीक तरीके से करना होता है, उसके साथ हिंसा नहीं कर सकते। चौथी बात, युद्धबंदी को ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पांचवी बात, रेड क्रॉस सोसाइटी कभी भी इन युद्धबंदियों से मिल सकती है, उन्हें कानूनी सहायता दे सकती है। अगला पॉइंट, युद्धबंदियों से सिर्फ उनके नाम, सैन्य पद, नंबर और यूनिट के बारे में पूछा जा सकता है, धर्म, जाति और जन्म के बारे में पूछताछ करने की मनाही है। युद्ध के बाद जितनी जल्दी संभव हो युद्धबंदी को लौटाना भी होता है। जिनेवा कन्वेंशन का दबाव, भारत की कूटनीतिक घेरेबंदी और कुल मिलाकर पाकिस्तान पर पड़ा दबाव, या पाकिस्तान के पक्ष की बात कहें तो बातचीत करने के लिए उनकी तत्परता, इन सब से मिला जुला के नतीजा ये निकला है कि विंग कमांडर अभिनंदन देश वापस आ रहे हैं। दी लल्लनटॉप शो में आज इतना ही। अपना, अपनों का खूब ख्याल रखिए और ख्यालों में उनको लाइए जो हम सबका ख्याल रखते हैं। शुभ रात्रि।